मिर्ची 98.3 इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है ना? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है, ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा? सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले, पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर। मन में थोड़ा बात था सर, उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है, बर्दाश्त आप में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे कि ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा है हमको। ठीक, चुप कर पता नहीं जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की तो क्यों है तू वहाँ पे? कप कपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कप कपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने पता नहीं अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उनपे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी होता हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का दुश्मन अनाज का इंसान है जिसे शादी कर ली है, तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता अगर हिम्मत है ना तेरी, एक सब बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू, आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है फिर, क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है, ये पुताई करने वाला व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है, तो हमको मिला बोला आप नवेद हो, मैंने कहा हम नवेद, बोले आप ही मुर्गा बनाते हो, मैंने कहा हम बनाते हैं, बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे एक साहब के घर, उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया, वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे, 150 आदमी जो है ना जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए सबका हाल ये है, कोई कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, ठीक है ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ये पगला। मिर्ची 98.3 इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हालांकि कम होता है ऐसा, लेकिन स्टूडियो में जब नवेद के पास कोई आ जाए तो मुर्गा बनाना जरूरी है। रूही नाम है आपका? हाय। किसका मुर्गा बनवाना है? अपने हस्बैंड का। हमारी इतनी लड़ाई होती है नॉन स्टॉप, सुबह शाम हम लड़ते रहते हैं नवेद। अभी भी लड़ाई हुई है, मैं सुबह इनफैक्ट जब घर से निकली हूँ तो लड़ाई करके ही निकली हूँ। अच्छा। मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसका मुर्गा बना दो। अब उधर लड़के दिखाओ उससे। मतलब मैं फोन कर रहा हूँ, लड़के दिखाओ आपके सामने ऐसे लड़े। नहीं, लड़ो तो मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होगी, प्लीज लड़ो और चुप रहना और मेरा नाम मत लेना, लड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो, कौन से नंबर से फोन कर रही हो? यार तुम हमेशा ऐसे डिटेक्टिव क्यों बने रहते हो यार, ऑफिस की लैंडलाइन है दूसरी, उससे फोन कर रही हो। डिटेक्टिव क्या, पूछो भी ना तुमसे अब कि कहाँ कौन से नंबर से फोन कर रही हो, नया नंबर था इसलिए पूछा। मेरी आवाज पहचान गए ना, तो कहाँ से फोन कर रही होगी, ऑफिस से ही फोन कर रही होगी, निकली हो ना सुबह घर से ऑफिस के लिए। एक्चुअली फोन ये बोलने के लिए किया था, मेरे को इतनी लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है। सुनिए, लड़ाई मैं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लड़ाई करने की। मैं आज रात को देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? हाँ, मैं काम में आऊंगी क्योंकि काम है इसलिए। तुम तो हमेशा ही लेट आते हो और हमेशा तुम्हारे पास ये स्किल्स होता है। हमेशा किसी पीटी बात क्यों करते हो, जब तुम्हारा काम होता है तब काम होता है, मेरा काम काम नहीं है। बॉस को क्या बोलूं, बॉस को बोलो तुम। अरे बॉस की ऐसी की ऐसी की तैसी कर रहा है तुम्हारा बॉस अपनी। मेरे को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप कौन? मैं इसका बॉस हूँ, मेरे बारे में तो बात मत करो ना कम से कम। मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं भाई, मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? आप बीच में कहां से आ गए? नहीं तो सारी आवाजें बाहर आ रही है, मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं?
मैं जा रहा हूँ, आप तमीज से लड़िए, लड़ना तो सीख दीजिए कम से कम। बेइज्जती करा दी मेरी, खुश हो गए तुम? और अरे तो वो बेवकूफ का बच्चा बीच में कैसे आ गया, उसको कैसे पता लग गया कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ? चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, लैंडलाइन से आवाज बाहर जा रही है। मैं बेवकूफ का बच्चा हूँ नहीं, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूँ। जब मम्मा पापा आए हुए थे तब मैं रोज जल्दी आती थी, आती थी कि नहीं आती थी? फेली नहीं बैठी होती ऑफिस में, कौन सी हमेशा बहाने करती थी मैं लेट आऊंगी, लेट आऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होनी थी, एक दिन लेट। बेस्ट फ्रेंड तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई हेमा मालिनी है साली जिसकी शादी हो गई थी? आप सही कह रहे हो, मैं हेमा मालिनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रचिता हूँ तो हूँ ना, मेरी शादी में आई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम हो कहाँ पे, तो भाड़ में जाओ। तुम ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था कल? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फोन वाले ये नेटवर्क तुम्हारा ही नेटवर्क खा जाते हैं क्या? तुम्हारा ही नेटवर्क नहीं मिलता सिर्फ? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जैसे कि आप हमें गाली दे रहे हैं सर, प्लीज आपका ये पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में हमको मत लाइए, की सारी आवाजें हमारे पास आती हैं सर, प्लीज हमें ऐसा बुरा भला मत कहिए, आपका पर्सनल मैटर है, जो मैटर है सॉल्व करिए प्लीज सर। गाड़ी में बैठती हूँ मैं, ड्राइवर को बोलती रहती हूँ कि भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, मुझे घर टाइम पे पहुँचना है। तो निकाल दो ड्राइवर को, तो कोई दूसरा नौकरी तो हमारे लिए देखिए ना, ऐसे निकाल रहे हैं तो एक तो गाली देके निकाल रहे हैं, ऊपर से दूसरा नौकरी तो देखिए फिर। सही मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सुनो यार, मैंने तुम्हारा मुर्गा बनवाना चाह रही थी नवेद से, अब बहुत हो गई लड़ाई। देखिए नवेद भी आ गया, कैसे आ रहे हैं सब? अब सुनो, लड़ाई लड़ाई माफ करो और एक दूसरे को प्यार करो यार, छोड़ो सारी बातें। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ये जिसका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, मैंने सुना है इसके मम्मी पापा बाहर गए, मैं लड़का है और आजकल गर्लफ्रेंड को साथ में रखता है घर पे, अकेला घर गर्लफ्रेंड साथ में। इसका बाला उसका बाला सबका बाला, मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो, वो कौन बोल रहे बेटा? अनुभव। हाँ जी मैं अनुभव बोल रहा हूँ, आप कौन? अनुभव कहाँ हो बेटे? मैं अच्छा, मेरे ख्याल से बताया नहीं आपके पापा ने? नहीं मैं नहीं पहचाना आपको। हाँ नहीं नहीं, आप पहचानोगे नहीं, मैं असल में पापा और मेरे पापा गए हुए हैं ना बाहर कहीं, मम्मी पापा। हाँ जी हाँ जी। कब आ रहे हैं वापस? कब आ रहे वो? अगले वीक आएंगे, मतलब अगले वीक आ रहे हैं, अगले वीक आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मेरा जरूरी एक काम था, मेरी बात हुई थी आपके पापा से, वो कह रहे थे कि आप घर से ले लेना, तो बेटा जरा दरवाजा खोलोगे? बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं मेन गेट पे। मेन गेट पे? आप हमारे घर पे? आप मैं बेटा तुम्हारे घर पे हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंकल अभी अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बेटा मैंने तो लैंडलाइन पे किया है फोन। ये भी सही कह रहे हो आप शाम को ले लेना अंकल, शाम को। बेटा मैं फिर निकल जाऊंगा ना, जल्दी निकल जाऊंगा, मेरे को मेरे पापा से, तेरे पापा से बात हो गई थी, वो कह रहा था आप घर से उठा लो, आप दरवाजा तो खोलो, मैं मेरे को पता है वो पेपर कहाँ रखे हैं ना। आप पहुंच गए? आप मतलब आ गए? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ठीक है? आप देख लो कोई। अरे जल्दी करो ना, आप जल्दी करो, फिर मैं पापा को फोन करूँ, पूछूं कहाँ रखे पेपर, आप दरवाजा खोलो। एक आप देख लो ना कोई 5-10 मिनट का, आपको मार्केट में कोई काम हो। मैं एक बारी थोड़ा ना अभी मतलब वॉशरूम में था अंकल, 5-10 मिनट में अगर कोई काम हो आप देख लो। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप कर लो वॉशरूम कर लो, देख लो ना आप कोई मतलब। बेटा आप वॉशरूम कर लो, मैं या वॉशरूम बाद में कर लेना, मेरे को जरूरी काम है, वरना मैं पापा को फोन कर रहा हूँ आपके, वो बता देंगे कैसे कहाँ से लेना है। अंकल मैं खोलता हूँ, मैं एक बारी ना। हाँ मैं खोलता हूँ ना, खोलो मैं बाहर। ये दरवाजा ना यार हमारा खराब हो रखा है कई दिनों से, ना ये अटक जाता है कभी कभी। यार कमाल है आप, पता नहीं क्या आपके पापा हैं, अब जरूरी कागजात है यार उसमें अंदर। मैं भिजवाऊंगा अंकल, मैं भिजवा दूंगा, कहाँ भिजवाने बताओ। नहीं मेरे को अभी लेके जाने हैं ना, मेरे को लेके जाने हैं अंकल, दरवाजा तो नहीं खुल रहा। एक सेकेंड देखो पापा का फोन भी आ गया। अरे पापा से मैं हेलो भाई कहाँ है तू? अरे वो बेटा अंदर है, कह रहा है अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा, कुछ प्रॉब्लम है, कारपेट के नीचे एक्स्ट्रा चाबी है। ठीक है फिर मैं तेरे को शाम में फोन करता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, ओके भाई। हेलो बेटा आप परेशान मत हो, पापा ने बता दिया कारपेट के नीचे, बाहर जो कारपेट है ना इसमें एक्स्ट्रा चाबी है, मैं खोल रहा हूँ बेटा। चाबी नीचे रख दो, मैं आराम से बोल
अंकल चाबी नीचे रख दो अंकल, मैं दे जाऊंगा आपको पेपर आपके, मैं दे जाऊंगा। अरे यार बहुत लेट हो जाऊंगा, खुल भी रहा है देखो ये पीछे देखो। अरे सुन नहीं आ रही तेरे को, बात नहीं समझ आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख अंकल, चाबी नीचे रख दो। अरे खोल, समझ नहीं आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख दे, चला जा यहाँ से, चाबी नीचे रख दे, मैं तेरे अंदर मत घुस जाइयो तो यहाँ पे, ठीक है समझ आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख, चाबी नीचे रख, कागज हो गए तेरी बंद का अंकल, अंकल हाँ जी अंकल, हाँ अंकल सॉरी सॉरी फॉर मिसबिहेविंग, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुल रहा है ना ये तो देखिए। अरे मेरे को समझ नहीं आ रही क्या, चाबी नीचे रख दे, चाबी नीचे रख दे तेरी, मेरी बात सुन, जो अगली गली है ना उसमें जो सेकंड फ्लोर है उधर चला जाएगा, ये नहीं है भाई। हेलो भाई मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन सुन ना ये मैं तेरे को बता दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, बस तेरे को ये बताने के लिए फोन किया था, कारपेट के नीचे ऐसे चाबी मत रखा करो, ये हानिकारक हो सकता है, अभी हो रहा था ना, ठीक है मुर्गा बना रहे थे, देख शक्ल देख पा रहा है अपनी। मम्मी पापा कब आ रहे हैं वहां पे? सुनिए नवेद को सुबह 7 बजे से ओनली ऑन मिर्ची 98.3। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ, सर से ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बोलिए मैडम। सर आपने कंप्लेन करी थी सर, आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ हाँ हर बार हर महीने क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है, मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर मैं क्लियर करना चाहूंगी, सर आपने ये जो प्लान ले रखा है सर, ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी, धीरे धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना, मैं बात कर रही हूँ। समझाओ। हाँ जी। हाँ आपने सर 550 का प्लान लिया था सर? हाँ जी। सर तो आप ये देखिए, आपके वन टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं, सर आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं, सर आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया, एक सेकंड सर, जूस ले लो, जूस। अरे हेलो। हाँ जी सर, सर मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर, 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर, आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर, वो वैलेंटाइन है ना तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर, सर वो आजकल साथ बैठते सर थोड़ी। इसको डार्लिंग जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर, 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए, हाँ जी सर मैं ये कह रही हूँ, आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर, डेटा प्लान जो आपने यूज किया ना आपका। हेलो हेलो मैडम 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 मैडम, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ। सर मैं ये कह रही थी सर कि आपने सारे मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना, तेरे एक बार समझ में नहीं आ रही है, वो समझाया जा रही है। जब कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ इसका, साथ बैठता हूँ आज इसके, समझाओ उनको, समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं हम देंगे तेरे को पैसे, सारे सवाल इनसे ही कर लेना, कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियाँ उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो, तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं ये वो है जो हमने करी है, तेरे मोबाइल से हम करते हैं रात में आके, कैसी बातें कर रहे डालेंगे, तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे दारू मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर मैं ये बोल रही थी, आपने 550 का सर प्लान लिया था सर, मंथली प्लान है ये आपका? मैडम आपका बिल तो इतना दे रहा है, आपका 4G नहीं चल रहा, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना, 1G पे आ जा, 4G पे तुझे वो नहीं है तो जी ले ले सर, 1 भी क्यों ना, क्या है डार्लिंग किसके मुंह लगा लिया? सर आपको पता नहीं है सर, जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे ना सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ Good morning, how may I help you? Assicurati che le cuffie e l'audio siano impostati correttamente. What?
Una volta iniziato il corso, puoi nascondere o visualizzare in qualsiasi momento i sottotitoli Rosie, con Rosie, let me talk to her. Assicurati che le cuffie e l'audio. Let me talk to her. No, no. Hello? Hello. Can you understand English or Hindi? Yes. Yeah, I'm Siddharth. I'm calling from Italy and I'm the manager of Ranveer Singh. Hello? I said I'm the manager of Ranveer Singh. I'm calling from Italy. एक्चुअली ये लैंडलाइन से रिसेप्शन से पहले कॉल किया था इटली की ये और लैंडलाइन से इसलिए क्योंकि हमारे फ़ोन अभी जब्त कर लिए इन्होंने वी डोंट हैव मोबाइल राइट सो व्हाट्स योर नेम मालविका आर यू कॉलिंग फ्रॉम ओके द थिंग इज मालविका डू यू अंडरस्टैंड हिंदी ओके मालविका मैं आपको कैसे बताऊँ ओके मालविका हम क्योंकि आपने ये तो सुन ही लिया होगा हमने बहुत ये छुपाने की कोशिश करी बट नाउ वर्ल्ड नोज के रणवीर एंड दीपिका दे आर इन इटली राइट इनकी शादी हो गई है वी आर प्लानिंग हम थैंक यू सो मच ओके मालविका राइट मालविका आर यू अलोन नाउ अभी कोई आसपास तो नहीं है आपके नहीं सर ओके मालविका हम क्योंकि इन्होंने इटली में अपनी शादी तो कर ली है हम हनीमून पैकेज के लिए मुझे आपसे बात करनी थी तो प्लीज जरा बताइए मुझे सर मैं स्विट्जरलैंड देख सकती हूँ नो 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 स्विट्जरलैंड नहीं क्योंकि नो स्विट्जरलैंड नहीं क्योंकि इन्होंने शादी इटली में करी है सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमें हनीमून इंडिया में करना चाहिए तो इंडिया का कुछ बताइए मुझे अच्छा कोई डेस्टिनेशन या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्लीज गोवा चलेगा सर गोवा वुड बी फाइन या गोवा बताइए सर साउथ इंडिया वैसे बेस्ट रहेगा मतलब पेड़ देखने ग्रीनरी है काफी या आई थिंक रणवीर लव्स ग्रीनरी उसको पसंद भी है तो क्या है तीन थ्री नाइट्स एंड फोर डेज एक सेकंड सर फाइव स्टार और सेवन स्टार फाइव स्टार सर थ्री नाइट्स और टू डेज का बन रहा है 1,25,000 ब्रेकफास्ट नहीं है सर इसमें इंक्लूडेड ओके इसमें ब्रेकफास्ट नहीं है नहीं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वो एक्स्ट्रा दे देंगे तो आप इसको इसको बुक कर दीजिए क्या नाम बताया आपने अपना मालविका राइट मालविका आई एम सो हैप्पी विद यू बट वन थिंग प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा ये चीज आप किसी को नहीं बताएंगे कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण हनीमून में कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे कहाँ स्टे कर रहे हैं नेवर ठीक है राइट आई प्रॉमिस या यू प्रॉमिस मी किसी को पता नहीं चलना चाहिए राइट नहीं हाँ ठीक है लेकिन आपको तो पता चल गया ये मालिका ये तो है सर क्या करें आप कैंसिल कर दूं डोंट कैंसिल ओके एनीवे लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे ये राइट अच्छा मुझे एक बार बताइए आपने कहाँ का कितने डेज और कितने नाइट्स का किया है आपने होटल फाइव स्टार है किस जगह केरला में सर मालविका आप मुझे क्यों बता रही हैं जब मैंने आपसे मना किया है कि ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि दे आर स्टेइंग इन केरला आपको मालूम नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट है ये Never. ये चीज नहीं बतानी है आपको ठीक है किसी को नहीं बतानी मतलब किसी को नहीं बतानी ओके या वन सेकंड सो मैं आपको कुछ बातें और बताना चाह रहा था लाइक सिद्धार्थ बुक हो गया क्या या हाँ मोनिका बुक हो गया मैं ट्रैवल नो मैं कौन से ही बात कर रहा हूँ या बुक ओके ओके बट इट्स बुक नाउ या बुक ओके सो दीपिका पूछ रहे हैं वेयर हैव वी डिसाइडेड टू बुक ओके दे आर स्टेइंग तीन रात के लिए और चार दिन कैलिकट में नहीं केरला सर आपको मना किया है ना मैंने किसी को नहीं बताना है व्हाई आर यू सेइंग केरला आई टोल्ड यू ना कि नहीं बताना है किसी को मालविका आप ऐसे नहीं मानेंगे आप किस चीज से बात कर रही हैं मुझसे हां जी किस चीज से बात कर रही हैं आप मुझसे रिसीवर कहाँ लगा रखा है आपने कान से थोड़ा ऊपर लगाइए कान से थोड़ा ऊपर लगाइए रिसीवर कान से थोड़ा सा ऊपर लगाइए प्लीज अभी लगा दिया सर अब किसी को पता नहीं चलेगा कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण दे आर स्टेइंग इन केरल आई मीन कैलिकट
बाय। सुनिए नवेद को सुबह 7 बजे से ओनली ऑन मिर्ची 98.3। इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी कबीर, हाँ जी, हाँ जी कबीर, कबीर हेलो कबीर, थोड़ा मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, मैं ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है तो मैं काम करता हूँ, मैं मैनेज भी करता हूँ काफी स्टार्स को, मेरे को पता चला था आप सिंगिंग करते हो, आप गाने गाते हो? हाँ पाजी। पंजाबी गाते हो आप या हिंदी नॉर्मल गाने गाते हो आप? दोनों गा लेते हैं पाजी, दोनों गा। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ऐसा है कॉन्सर्ट करा रहे हैं हम जिसमें काफी बड़े बड़े स्टार हैं, तो जस्सी गिल उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो इत्तेफाक की बात देखो, ऊपर वाली की बात, जस्सी पाजी अभी साथ में बैठे हुए हैं स्टूडियो में, तो वो कह रहे थे मैं भी बात कर लेता हूँ कबीर से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जस्सी पाजी से बात करो, जस्सी जी वो ये लड़का है वो बता रहा था ना कबीर जिसके बारे में आपको बताया था, तो ये बता तो रहे हैं कि मैं अच्छा सिंगिंग कर लेता हूँ, तो हम सोचे स्टेज पे अगर आपके सामने आए भाई वो कैलिबर होना चाहिए ना बंदे में। सुनाइए थोड़ा आवाज़ सुना दे। पंजाबी गाना है हिंदी गाना है? आप जैसे भाजी इनसे पंजाबी गवाए या हिंदी गवाए, आपको जो जो आपको सही लगे वो गाना गाओ। इंग्लिश आता है इंग्लिश पूछ लो। अबे भाई पंजाबी सुना दो, पंजाबी सुना दो, हिंदी सुना दो। ओ खड़का जा तू मेरे या भाई केड़े या भाई केड़े पाओ कर दो उन्नी केस्तरी सानू कर दे क्रिएट शूटरी दा टेस्टरी। कबीर कबीर माइंड मत करना, मेरे को लग रहा है आप ना वो खैर जैसी भाजी तो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप ना गैप नहीं दे रहे हो, आप जल्दी जल्दी घोड़े पे बैठ गए, मतलब जल्दी जा ये थे जाओ थे, गैप दो ना थोड़ा थोड़ा सांस लेगा, थोड़ा गैप दो, फिर से आओ गैप दो थोड़ा। अच्छा 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 जिने मेरा दिल लुटिया, गैप 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 ने दो ना, आप गैप दो, आप भाग कर रहे हो यार, आपसे ज्यादा मतलब आप जैसी बाजी से भी जल्दी जाओ, चलो गैप दो, दोबारा आओ दोबारा आओ। सखियां ने मेनू जिने मार दिया, गैप 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 खामोश, गैप जाने दो, गैप आने दो, आगे शुरू करो। रंग गुलाबी शाम गुलाबी, गैप गैप यार भाग कर रहे हो, आराम से सांस लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम जैसी पाजी के साथ आपका ये शो रखवाते हैं, हाँ जी हाँ जी, आप सिर्फ गैप गैप दे दो हमें, गैप का क्या चार्ज करोगे सर? गैप गैप हाँ, जैसे जैसी पाजी गा रहे हैं, नहीं नहीं जैसी पाजी गा रहे हैं, गैप आप दे रहे हो तो मैं आपका गैप ट्राई कर लेता हूँ, गैप देना एक लंबा गैप देना। अच्छा दे रहा जैसे अच्छा, गैप अच्छा दे रहा, गैप अच्छा, आप गैप गैप का बताओ मेरे को क्या चार्ज करोगे सर? मैं तो बस छोटा कलाकार हूँ, अभी शुरू किया है, जो आपको ठीक लगे सर। हाँ अब सुनो, आप बड़े कलाकार आप तो जब ही हो गए थे जब आप जस्सी पाजी से बात कर रहे थे, क्योंकि जस्सी गिल से कोई बात कर ले और वो बड़ा सिंगर ना बन जाए ऐसे तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात सुनो, सिंगर के साथ साथ आप एक चीज और बन गए हो कबीर, तुम रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हो, और हम ना कोशिश कर रहे थे कि आपका कॉन्सर्ट करा। कबीर भाई तुम बहुत प्यारे इंसान हो, और सुनो ऑनेस्टली जैसी भाई ने सही कहा है यार, तुम गाना अच्छा गा रहे हो और प्रैक्टिस करो तो इनके साथ कॉन्सर्ट। गाना अच्छा गा रहे हो पर जब गाते हो तो यूट्यूब से ना अभी लिरिक्स आते हैं हर गाने के, वो सुन लिया करो ध्यान से ना, वहां पढ़ के फिर गाया करो साथ में, इजी हो जाएगा ना। एक एक काम करो, चलो जाते जाते जस्सी पाजी का एक गाना सुनाओ कोई, अब तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, तुम एक बार एक लाइन सुनो जस्सी भाई को, उसके बाद रिपीट करना जस्सी भाई, हो जाएगा हिंदुस्तान के, सुनो ध्यान से। एनरिके द हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा, मुंडा जट्टा दा नहीं ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा, नी मुंडा जट्टा दा नहीं ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा। कबीर इस गाने को प्रैक्टिस करना सुबह नहा लो, रात को सोने के बाद, हर वक्त करते रहो और जल्दी कॉन्सर्ट में बुलाएंगे। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू कबीर भाई, थैंक यू। सुनिए नवेद को सुबह 7 बजे से ओनली ऑन मिर्ची 98.3।